अल्बोड़ा का पागलपन भीड़ भड़क का आपको परेशान कर रहा है तो आप वहां से निकले और बिनसर रोड पे आइए और 8 किलोमीटर आगे जब आप आएंगे कसार देवी के मंदिर के साथ आपको मिलेगी ये जगह जिसका नाम है द कसार किचन। तो पहला क्वेश्चन, रॉकी एंड मयूर ने रोड क्यों पार की? क्योंकि वो कुमाऊनी खाना खाना चाहते थे, बहुत अच्छा वाला। तो आप आएंगे विलेज मटेना में और हमारे जो शेफ हैं, बड़े फेमस उत्तराखंड के शेफ हैं पवन बिष्ट, उन्होंने ये जगह रेकमेंड की थी। यहाँ पे हमारे दोस्त राजू मेहता हैं, वो यहाँ के शेफ हैं। और कसार में जो है 70s 80s में हिपी मूवमेंट बहुत थी, हाँ। बहुत सारे लोग आते थे क्योंकि यहाँ फेमस कसार देवी टेम्पल भी है। और लोग कहते हैं यहाँ पे कोई मैग्नेटिक कुछ क्या, कोई हाँ वैन एलन मैग्नेटिक फील्ड जो है, जहाँ पे कहते हैं मेडिटेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। दुनिया में तीन जगह जो है बहुत, एक है स्टोनहेंज इंग्लैंड में जहाँ सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, एंड सेकंड है माचू पिचू। कोई मदर पे नहीं आने का माचू पिचू मतलब यार वो एंशिएंट रूइंस है पेरू में, और कसार देवी जहाँ पे अभी रिसर्च चल रही है, होपफुली वो खत्म हो जाएगी। पक्का नहीं है लेकिन जगह देखिए कितनी खूबसूरत है यार, माय गॉड लुक एट दैट व्यू यार। मयूर ये जगह तेरे को मिली कैसे? द आंसर माय फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड। बॉबी डी भगवान, छोटे भगवान बॉब डिलन, ये भी आप ही यहाँ पधारे, क्या बात है। तो हिप्पी मूवमेंट कसार देवी के आसपास बहुत वैलिड था, 80s 90s में बहुत जोर शोर पकड़े हुए था, और आज भी लॉकडाउन के अंदर भी यहाँ से 700 से ज्यादा लोग रहते थे, और उनको ये घर अपना उन्होंने यहाँ बना लिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि जब राजू मेहता खाना बनाने पे उतरते हैं तो कुछ बहुत ही स्पेशल चीजें हो जाती हैं। यार इतना अच्छा खाना है, तू सिर्फ देख रहा है खाना, मैं तो डाइव इन कर चुका हूँ। ईट रॉकी भैया, मेरा मन तो बड़ा कर रहा है लेकिन सुबह से मैं 4 बार खा चुका हूँ, अब पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मेरे को पता है, मैं राजू को बोलता हूँ कुछ घरेलू नुस्खा मेरे लिए ऑर्गेनाइज करेगा ताकि मैं ये सब खाना खा चुकूँ। पानी से क्या होगा? तो इतने सालों से रोड पे ट्रैवल करते करते इनो हमारे साथ हमेशा रहा है, हमारा ट्रस्टेड विंगमैन, रॉकी भैया ड्राइवर, मैं नेविगेटर, इनो विंगमैन। परफेक्ट। ओह 6-7 सेकंड में ऑलरेडी थोड़ा सा असर होना शुरू हो गया यार। रिलीफ मिल रही है ना? अब तो मेरे को ये बता, तू ठीक होने वाला है या मैं ये सारे अचार जो अपनी तरफ कर लूं? नहीं यार, थोड़ी देर में तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं सारे अचार भी ट्राई कर लूंगा, नहीं तो राजू को बुरा लगेगा यार। तो राजू की स्टोरी ये है, पहले बायोलॉजी में इंटरेस्टेड थे लेकिन फिर किचन में आए, होटल मैनेजमेंट करी, महिंद्रा रिसोर्ट के साथ काम किया, IDC के साथ काम किया, मदर से खूब सीखा मीट बनाना, फादर से सीखा क्योंकि कुमाऊं में मैन अक्सर जंगल में जाके रात को अपने आप मीट बनाते हैं, पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं, और अब ये सारा खाना आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर आएंगे, और इसकी स्मेल से मैं पानी पानी हो रहा हूँ। सर आप ये सब इतना कैसे जानते हैं? आप आपका बीज का नाम वैन एलन तो नहीं है? रॉकी वैन एलन सिंह? ज्ञानी 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 अच्छा ज्ञानी वैन एलन सिंह, ज्ञानी रॉकी सिंह। अच्छा आप अपने खाने के बारे में बात करना चाहेंगे थोड़ा सा? अच्छा इतनी खुशी। तो कुमामी, इनके पास 2 टाइप्स के मोमोज हैं, जो है वेज मोमोज एंड आपके मटन मोमोज डन विद अ वेरी स्पेशल चटनी। नहीं सॉरी, ये वाली नहीं, वो कह रहे हैं कि इंडियंस को आगे मेयोनीज बड़ी अच्छी लगती है, ये है मोमोज की वेरी वेरी स्पेशल चटनी। एक डुबकी मार के आ हा हा, और उसके बिल्कुल राइट पे ओ स्पाइसी चटनी, उसके राइट पे जो मैं बाद में बताता हूँ, रॉकी मेरे राइट रॉकी भाई हैं भाई साहब, पहाड़ी मटन, खूब सारी टमाटर की खटास, खड़े मसालों का एकदम पीस के गरम मसाला बनाया हुआ, फ्लेवर एकदम जबरदस्त, और पहाड़ों में मटन कुछ अच्छा ही पकता है ज्यादा। ये चावल थोड़े से थिक थोड़े से स्टिकी, बड़े यूनिक यहाँ के इस एरिया के, और मिर्ची का अचार, मैं क्या बताऊँ आप, मैं पागल सा हो गया हूँ, ये मैं अचार लेके जा रहा हूँ अपने साथ, आपको सब जगह दिखाऊंगा खा के। और उसके बाद लहसुन का अचार, ये चीजें बहुत ही स्पेशल है। लेकिन यहाँ पर लोग एक बहुत खास चीज करते हैं, वो नमक बनाते हैं फ्लेवर्ड, जैसे कि ये है लहसुन और मिर्ची का नमक, तो लहसुन का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें, मिर्ची का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, और इसको आप खाने पे छिड़क लीजिए, चावल में डाल लीजिए, घी के साथ रोटी पे डाल लीजिए और खाइए। ज़दार, मैंने आपका नमक खाया था, मेरे मुंह में आग लग गई। एक पूरा चम्मच का। तो अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स हैं नमक के, बहुत ही शानदार, इस एरिया में आपको मिल जाएंगे दुकानों में भी, लेकिन अगर राजू आपको दे सके तो जरूर लीजिएगा। मैंने उन्हें कहा था मुझे अचार भेज दीजिए, लेकिन उनके पास थोड़ा सा ही रहता है, तो जल्दी से आइए जिससे भले खत्म हो जाए और खाइए। थोड़ा सा रहता है, बहुत सारा रहता है, कुमायूनी रहता है। हाँ। जो मतलब कुमाऊनी थाली का बहुत एक फेवरेट पार्ट है, उसमें मस्टर्ड जो होता है लोकल मस्टर्ड वो यूज करते हैं, तो ये हमारी कुमाऊनी थाली, इसमें गहत की दाल और उसमें एक बड़ा स्पेशल सा हर्ब होता है, क्योंकि राजू जी हैं यहाँ के सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जानते हैं, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। घोड़िया चने, एक बड़ा स्पेशल पनीर प्रिपरेशन, आलू और लाए, और ये फिर
काले चावल की खीर, ये तो एक कुमाऊनी थाली। मटन बहुत शानदार, चिकन बहुत शानदार, मोमोज बहुत ही अच्छे, मटन के मोमोज ब्यूटीफुल स्पाइसिंग लवली फ्लेवर्स। तो यहाँ पर आके इस जगह का जरूर नोट कर लीजिए, द कसार किचन। सर आपकी डिस्क्रिप्शन शाकाहारी आदमी भी मन करता है कि ये सारी चीजें खा ले। देखिए जी, हम तो यहाँ पे बैठ के लगाए खूब सारा खाना, आपके लिए सजेशन है कभी अल्मोड़ा साइड आए तो कसार आ जाइए, एक क्या तीन चार पांच मील भी यहाँ खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं कभी होगी। आना,